नाजरीन सियानी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे किरण अपनी हरकतों से अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मर्तबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में नवीन के बारे में क्या सोचा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाजरीन क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मर्तबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में नवीन के बारे में क्या सोचा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाजरीन क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मर्तबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में नवीन के बारे में क्या सोचा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से
कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था। मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाज़रीन, क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा, जब से ये इस घर में आई है, इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा, तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में, नवीन के बारे में क्या सोचा है? मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा, सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे, मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था। मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाज़रीन, क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा, जब से ये इस घर में आई है, इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूंगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा, तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में, नवीन के बारे में क्या सोचा है? मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा, सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे, मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था। मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाज़रीन, क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा, जब से ये इस घर में आई है, इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूंगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले
जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में, नवीन के बारे में क्या सोचा है? मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे, मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था। मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाजरीन, क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है, इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में, नवीन के बारे में क्या सोचा है? मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे, मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था। मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाजरीन, क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है, इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूंगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में, नवीन के बारे में क्या सोचा है? मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे, मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था। मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाजरीन, क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है, इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो,
अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में नवीन के बारे में क्या सोचा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाजरीन क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में नवीन के बारे में क्या सोचा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाजरीन क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूंगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में नवीन के बारे में क्या सोचा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाजरीन क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा
और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में नवीन के बारे में क्या सोचा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाज़रीन क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में नवीन के बारे में क्या सोचा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाज़रीन क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूंगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में नवीन के बारे में क्या सोचा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे
जिल्लत अमेज दिन था। तो नाजरीन, क्या जहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा, जब से ये इस घर में आई है इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जहेब से पूछेंगे कि बेटा, तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में, नवीन के बारे में क्या सोचा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जहेब कहेगा, सोचा तो मैंने भी है। तो जब जहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे, कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे, मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाजरीन, क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा, जब से ये इस घर में आई है इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जहेब से पूछेंगे कि बेटा, तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में, नवीन के बारे में क्या सोचा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जहेब कहेगा, सोचा तो मैंने भी है। तो जब जहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे, कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे, मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाजरीन, क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा, जब से ये इस घर में आई है इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले
जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में, नवीन के बारे में क्या सोचा है? मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे, मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने जिस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाज़रीन, क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है, इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में, नवीन के बारे में क्या सोचा है? मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे, मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने जिस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाज़रीन, क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है, इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूंगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में, नवीन के बारे में क्या सोचा है? मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे, मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने जिस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाज़रीन, क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है, इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो,
अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में नवीन के बारे में क्या सोचा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाजरीन, क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अपनी हरकतों से अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वो तो घर आते ही फायजा और जरबाब की माँ का जीना महाल कर देगी, जिसके बाद जरबाब की माँ तंग आकर जरबाब से कहेगी कि बेटा जब से ये इस घर में आई है इस घर में परेशानियों ने तो राह ही देख ली है, कभी हमें सुकून का सांस नहीं मिला, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब इसे तलाक दो, अपने बच्चों को अपने साथ रखो और उनके अच्छे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। जरबाब अपने माँ बाप को दो टोक कह देगा कि मैंने बहुत मरतबा उसकी गलतियों को माफ किया है, अब आखिरी मौका उसे दिया है, अगर उसने अब कोई भी गलती की तो मैं उसे तलाक देकर फारग करूँगा और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा भी कम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ये सब बातें किरण भी सुन लेगी, वो सब जानते बूझते हुए अपनी आदत से मजबूर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। और दूसरी जानब जुहेब के घर वाले जुहेब से पूछेंगे कि बेटा तुमने आइंदा अपने फ्यूचर के बारे में नवीन के बारे में क्या सोचा है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो। जिस पर जुहेब कहेगा सोचा तो मैंने भी है। तो जब जुहेब के घर वाले लड़की के बारे में पूछेंगे कौन है वो लड़की, अगर कोई नजर में है तो मुझे बताओ, तो जुहेब फिर से उजाला का नाम लेगा। तो जुहेब के घर वाले उजाला पर आमादा तो हो जाएंगे मगर उजाला इतनी आसानी से इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगी, क्योंकि उजाला की बहन जब उजाला को समझाएगी तो वो भी अपनी बहन से कह देगी कि मैं जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। मैं वो वक्त नहीं भूल सकती जब मुझे जुहेब और जरबाब के घर वालों ने किस तरह जलील किया था, मेरे लिए सबसे जिल्लत अमेज दिन था। तो नाजरीन, क्या जुहेब के घर वाले उजाला और उसके घर वालों को मना सकेंगे या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।